सबसे अनुरोध है अपने मोबाइल फोन पर सभी का ध्यान रखेंगे। अभी पीछे कोच में चोरी हो गई है, किसी के दो मोबाइल निकाल लिए और किसी का पर्स चुरा लिया। तो आप एक बार बताओ यहाँ पे लूटमारी भी होती है क्या? होती है यहाँ पे लूटमारी? फोन फोन बैग पैसे सब क्या बताता है? बहुत होती है भाई, मैं अगली बार जा रहा था दिवाली में, मेरा फोन चोरी कर लिया था। अब बताओ, ये भाई दिवाली पे जा रहे थे, इनका भाई का फोन ले लिया था। तो भाई किसी का मोबाइल चोरी हुआ, किसी का पर्स चोरी हो गया और किसी को भाई सुंगा करके पूरा ही लूट लिया। जी हाँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं आज आया हूँ दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो ट्रेन है वो यूपी और बिहार जाती है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के जो जेब काटने वाले और लूटने वाले जो लोग होते हैं ना, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बेचारे गरीबों को लूट लेते हैं। कभी पुलिस वाला बन जाएंगे नकली, तो कभी भाई पीटी बन जाएंगे। मैं यूँ नहीं कह रहा हर बंदा ख़राब है, पर मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ यहाँ के जो लोग हैं ना, वो जैसे भी मर्जी करके यूपी और बिहार के लोगों को लूटने की पूरी प्लानिंग बनाते हैं। किसी किसी को बोलेंगे आपके बैग पे कुछ लगा हुआ है, फिर उसको सुंगा देंगे और उसको लूट लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आनंद विहार का रेलवे स्टेशन और यहाँ पे दो चार लोगों से पूछेंगे भी कि भाई यहाँ पर कैसा हिसाब किताब रहता है, यहाँ पर लूटामारी होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ अभी आनंद विहार के रेलवे स्टेशन पर। देख लो कितने सारे लोग हैं वो आए हैं और कितने सारे लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पर लूटामारी होती है आनंद विहार पे? होती है यहाँ पर लूटामारी? यहाँ पे ज़्यादा होती है? इधर रेलवे स्टेशन से ज़्यादा बस स्टैंड पे होती है। अच्छा, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा बस स्टैंड पे होती है। जो यहाँ पे नकली पुलिस वाले बन जाते हैं और कई बार बंदों को ऐसा सजवाते हैं। अच्छा जी, देख के लूट लेते हैं बंदों, चारा देख के लूट लेते हैं। जैसा कोई ठीक ठाक सीधा साधा सा लग रहा है बाहर से आया, हाँ, उसको बस अंटे मिले के दो तीन बंदे मिल गए और कर देता। पता हो यार कितनी गलत बात है भाई, सारा लूट लिया और सब ले लेते हैं। तो भाई हमारे एक भाई मिले हैं, कहाँ जा रहे हो भाई आप? मैं जा रहा हूँ बिहार। भाई बिहार जा रहे हैं, कौन सी ट्रेन से? ये सप्त क्रांति। सप्त क्रांति एक्सप्रेस से जा रहे हैं, जिसकी वीडियो भी आपने देखी होगी। भाई एक बात बताओ, इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लूटामारी होती है या नहीं होती? बहुत होती है भाई, मैं अगली बार जा रहा था दिवाली में, मेरा फोन चोरी कर लिया था। अब बताओ, ये भाई दिवाली पे जा रहे थे, इनका भाई का फोन ले लिया था। बहुत बेकार स्टेशन है भाई, यहाँ बाहर निकाला था, यहाँ पे निकाला था? नहीं, बाहर निकाला था, जब आ रहा था तब भीड़ था बहुत ज्यादा, जब निकाल लिया था। बताओ भाई यार, बड़ा दुख हुआ। कोई बात नहीं भाई, आप कभी भी आनंद विहार आते हो ना, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर लूटामारी हमेशा होती है। आप थोड़ा अटल रहें और थोड़ा सावधान रहें, है ना, क्योंकि मिनटों में फ़ोन निकल जाता, पता नहीं चलता, बाद में देखते हैं भाई फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन गायब हो गया, है ना भाई। चलो भाई, सप्त क्रांति जा रहे हो ना। भाई मैं ये नहीं कहता कि रेलवे पुलिस गलत है या फिर रेलवे के लोग गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा ना दिल्ली गलत है या दिल्ली के लोग गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो लूटामारी करने वाले लोग हैं ना, सिर्फ वही गलत है, और बंदे सही हैं। आज भी रेलवे की पुलिस ऐसी अगर पकड़ लेती है ना चोरों को गलत काम करते हुए, तो छोड़ते नहीं है, पूरी कार्रवाई होती है। ये चीज़ बहुत अच्छी है, पर यहाँ के जो लोग हैं ना बाहर के, जो कॉलोनियों के होते हैं, वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं गरीबों का और लूटते हैं, बस वो लोग ख़राब हैं। हर बंदा ख़राब नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं सबको गलत बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी लोग शरीफाई से आते हैं और शरीफाई से जाते हैं, बस कुछ लोगों का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, गाड़ी नहीं बता रहा, ऐसे जा रहे हैं। अंकल एक बात बताओ, यहाँ पे लूटामारी भी होती है क्या, छीना छपटी अंदर? हाँ, बाहर का नहीं कुछ कह सकते, हमारे अंदर हो रही है तो बताओ। अच्छा, अंदर लूटामारी नहीं होती? देखो पुलिस बैठी हुई है यहाँ, कैसे हो जाएगी? नहीं, हमने सुना था किसी बंदे का फोन छीन लेते हैं, किसी को मार के भगा देते हैं। हमारे अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं, बाहर ही है ना, बाहर का हम कह नहीं सकते भाई, बाहर का क्या कहें। हाँ, हम तो अपना अंदर का बताएंगे ना, अंदर हमारा अच्छा एटमोसफियर। अच्छा जी, बाहर का हम क्या कहें। ठीक है अंकल जी, अब मैं आ गया आनंद विहार के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यहाँ पर खड़ी है सप्त क्रांति एक्सप्रेस। अब यहाँ पर लोगों से पता करते हैं और जो सच्चाई वो पता चल जाएगी। क्या हो गया ये भाई, पता नहीं क्या हो गया, नीचे की तरफ क्या गिर गया? ओहो, चप्पल गिर गई भाई। मेरे हिसाब से मत निकालो चप्पल, क्यों रिस्क ले रहे हो भाई? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? चप्पल निकालना गलत है सही है? ठीक है भाई, एक चप्पल निकालोगे यार, ट्रेन का टाइम वैसे ही हो गया, 3 मिनट बाद चलने वाली है, है ना। हाँ भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे लूटामारी भी होती है क्या? होती है यहाँ पे लूटामारी? अच्छा जी, कैसे? फोन फोन बैग पैसे सब क्या बताता है? पता भी नहीं चलेगा। कपड़े भी ले जाते हैं?
पैंट वैंट सबसे ज्यादा भाई जो चोर घूमता है, सवारी से ज्यादा चोर घूमता है, सवारी से ज्यादा चोर घूमता है। इसके पैकेट में अभी 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 लगा रहा था पैकेट में, क्या लगा रहा था, फोन खींच रहा था ऐसे, फिर मारा यार। अच्छा वहाँ बच गया तुम्हारा फोन, है ना, मतलब जेब में से निकाल लेते फोन। कौन सा फोन था, रियलमी का था। बताओ यार, गलत बात है यार ये। चलना भाई थोड़ा थोड़ा चलो। कि सबसे अनुरोध है अपने मोबाइल फोन पर सभी का ध्यान रखेंगे। अभी पीछे कोच में चोरी हो गई है, किसी के दो मोबाइल निकाल लिए और किसी का पर्स चुरा लिया। तो आपको उन चीज़ों से बच के रहना है और अटल रहना, कोई किसी को जानता नहीं है। अगर जो जान पहचान का है तो उसके साथ रहें, अपना सामान उसकी जिम्मेदारी पर दें। कोई किसी को जानता नहीं है, कोई किसी का भाई बंदी नहीं है, अपने अपने चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सभी से अनुरोध है भाई, अपने सामान का खुद जिम्मेदारी करेंगे। आगे त्यौहार आ रहा है इसलिए सभी को सूचित करा जा रहा है, ठीक है भाई। सब सतर्क रहेंगे, ठीक है। किसी को चोरी वोरी तो नहीं हुई ना अभी? हाँ, बस अपने भाई हैं जो ट्रेन में मिले हैं, हमारी वीडियो देखते रहते हैं। मुरादाबाद जा रहे हो? सही है भाई, किसी को सीट दे देना मुरादाबाद, अगला स्टॉप है इसका। बाकी सप्त क्रांति कवर कर चुका हूँ भाई। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी आनंद विहार आते हो तो आप हमेशा सतर्क रहें, अपने फ़ोन और मोबाइल पर्स का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके साथ कोई लेडीज है तो कान की कुंडल और चैन उसको पहनने के लिए बिल्कुल ना दें कि भाई आप मत पहनो जब तक आपका सफ़र है, क्योंकि यहाँ पर बाहर तो बहुत दुर्घटना होती है। अगर रेलवे स्टेशन पर अगर कोई चोर पकड़ गया ना चोरी करता हुए, तो भाई साहब छोड़ेंगे नहीं उसे, उसको इतना मारेंगे आरपीएफ वाले कि उसका बुरा हाल कर देंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ टीटीओ से भी पता करा था, उन्होंने यूँ बोल दिया कि भाई रेलवे स्टेशन के अंदर लूट हमारी नहीं होती और बाहर के व्यक्ति भी अंदर ज़्यादातर नहीं आते, पर जो बाहर के लोग हैं ना वो बाहर ही काम करते हैं, अंदर कुछ भी पता नहीं चल पाता। पहले अंदर भी आप सतर्क रहें, अंदर भी जो लोग होते हैं वो आपस में ही चोरी कर लेते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। रेलवे गलत नहीं है, ना रेलवे के लोग गलत हैं, ना आरपीएफ गलत है, सिर्फ गलत जो है वो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पर गृह कार्ड जो आपको चोरी चकारी कर रहे हैं।